नहीं कहा कि इन असेंबलियों में, इन निजाम में आप जितनी भी मेजॉरिटी लेकर आ जाएं, ये निजाम आपको चलने नहीं देगा। आमतौर पर गुफ्तगू में मैं नाम नहीं लेता, लेकिन क्योंकि ये इत्तेफाक राय है कि मौजू आया, खान साहब को एक मुजद्दद वक्त ने मेरी मौजूदगी में ये कहा कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे, हमें कोई शक नहीं। तीन, साढ़े तीन साल आपकी हुकूमत धड़ाम से अपने मुंह के बल गई और शायद उसमें आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन चूंकि आप निजाम को नहीं सूट करते, निजाम के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे आपके खिलाफ। 1998 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा था कि एक वक्त होगा, ये वो वक्त है जब एक दूसरे के पेट चाक करने की बातें हो रही थी। उन्होंने कहा मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे खड़े होंगे अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मफादात की जंग लड़ने के लिए। आज वो लोग जो एक दूसरे का पेट फाड़ रहे थे, वो हाथों में हाथ डाल के और मिल के इस मुल्क को लूट रहे हैं। तो सवाल तो हमारा बनता है लोगों से करना, हमको डिफेंसिव पे होने की जरूरत नहीं है। वक्त ने बताया कि हमारा कायद जो कुछ कहता था सच कहता था। तो थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करना चाहूंगा, क्योंकि यहां बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, कि ये चीज भी आप लोगों तक पहुंचे। हम साला साल से जिद्दोजहद कर रहे थे कि अब इसको छोड़ दें, साला साल से हम जिद्दोजहद कर रहे थे कि दरसे निजामी को तजदीद के जरिए से जदीद खतूत पे इस्तेवार किया जाए, जिसमें दीनी अकाबरीन की तरफ से शदीद मुखालफत थी, और वो इसलिए थी कि वो चाहते नहीं थे कि मदारिस के बच्चे प्रोग्रेसिव होकर इस सोसाइटी की सफ़े अव्वल में आए। उनको सिर्फ